सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। धनबाद में सादगी से मनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का 49वां स्थापना दिवस। पार्टी महासचिव रहे मौजूद, शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की उठी मांग। धनबाद में बहते नाले में बंद बोरे में मिला महिला का शव, अब तक नहीं हुई शिनाख्त, पुलिस कर रही तफ्तीश। बागबारा में 26 जनवरी से लापता शख्स का राम कनाली ओपी के पास मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हाईवा लूटकांड का खुलासा, लूटी हाईवा के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के नगर आयुक्त से जिला डेकोरेटर संघ ने की मुलाकात, निगम के विवाह भवन ने न्यूनतम शुल्क के साथ निबंधन वन टाइम करने की मांग। और सरकार प्रशासन की उपेक्षा का खामियाजा, एसएनएमएमसीएच का ऑडिटोरियम हुआ जर्जर, हल पल रहता है यहां अनहोनी का खतरा। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धनबाद की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। धनबाद की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं खूंटी से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर लाका पाहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन अड़की मुरहू सीमावर्ती जंगल में पुलिस और पीएलएफआई के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। लगभग आधे घंटे तक गोली चली और इस फायरिंग में पुलिस टीम को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल पहाड़ों का फायदा उठाकर भाग निकले हैं, लेकिन सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने जंगलों के बीच से उसका अस्थायी कैंप ध्वस्त करते हुए राइफल, पिस्टल, जिंदा कारतूस समेत कई सामानों की बरामदगी की है। पहाड़ी जंगल क्षेत्र था, उसमें पुलिस पार्टी को देखकर पीएलएफआई के दस्ते के द्वारा उन पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस बल के द्वारा भी फायरिंग की गई। और फायरिंग के उपरांत लगभग 15 से 20 मिनट तक चले इस एक्सचेंज ऑफ फायर में, फायरिंग के उपरांत पुलिस बल को भारी पड़ता हुआ देख पूरा दस्ता वहां से जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। और उस स्थल से हम लोग को एक 315 बोर का राइफल, उसके अलावा 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और AK-47 की 2 गोलियां, 315 की 26 गोलियां, 9mm जो पिस्टल यूज़ होता है उसकी 6 गोलियां, अन्य खोखा, साथ ही 12 मोबाइल फोन और विभिन्न धनी उपयोग के समान। खूंटी से सहयोगी ज्योत्सना जुड़ी हुई है इस मामले पर अपडेट के साथ। ज्योत्सना, बड़ी सफलता इसे हम कह सकते हैं, हालांकि कोई उग्रवादी गिरफ्तार तो नहीं हुआ, लेकिन काफी भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है, कैंप को ध्वस्त किया है, क्या वहां से और अपडेट है? जी आशिया, मैं आपको बता दूं, खूंटी पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिदन गुड़िया के मारे जाने के बाद लगातार पूरे इलाके में पीएलएफआई का सब जोनल कमांडर जो बना दिया गया है नाका पहाड़, वो पूरे इलाके में सक्रिय रहा है। और हाल के दिनों में उसने जो सड़क निर्माण कार्य में जो लगे थे जेसीबी वाहन और अन्य जो गाड़ियां थी, बाइक समेत कई गाड़ियों को उसने आग के हवाले किया था। ऐसे में खूंटी पुलिस के लिए लाका पहाड़ सरदर्द बना हुआ था। 2 दिन पूर्व भी पुलिस को खूंटी एसपी को सूचना मिली थी कि लाका पहाड़ का दस्ता अड़की, मुरहू और बनगांव का जो इलाका है, खूंटी का जो सीमावर्ती इलाका है, उन इलाकों में सक्रिय है। और इसी सूचना के आधार पे एसपी ने टीम का गठन किया, जिसमें एसडीपीओ आशीष महली नेतृत्व कर रहे थे, एएसपी अभियान 94 बटालियन और मुरहू की सैट टीम।
और सभी संयुक्त ऑपरेशन में पूरे इलाके में अभियान चला रहे थे। इसी अभियान के क्रम में आज 11:30 बजे दिन में जब जंगल पहुंचे बिरसौरा जंगल के पास, अड़की का जो इलाका है वो जंगल पहाड़ों से भरा हुआ इलाका है, इसी इलाके में जैसे ही पुलिस पहुंची लाखापहान का दस्ता फायरिंग कर दिया। फायरिंग में जैसे ही लाखापहान का दस्ता फायरिंग किया, पुलिस भी सत्ते में आ गई और पुलिस ने भी फायरिंग करना आरंभ किया। फिर पुलिस को भारी पड़ता देखकर लाखापहान का जो दस्ता था वो पूरी इलाका छोड़कर वहां से भाग निकला। इसके बाद आसिया मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने पूरे इलाके में अभियान चलाया, सर्च अभियान, और सर्च अभियान के क्रम में पुलिस को अस्थायी कैंप मिला लाखापहान दस्ते का, और उस अस्थायी कैंप से बड़ी मात्रा में मोबाइल और हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है और गोलियां भी। आसिया चलिए शुक्रिया जोसन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी सफलता है पुलिस की, आगे भी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि नक्सली अगर छिपे हों तो उन्हें उनके बिल से निकाला जा सके। एक और बड़ी खबर चंदन क्यारी से मिल रही, जहां इलेक्ट्रो स्टील के वेदांता प्लांट के अंतर्गत SMS साइड में भयानक आग लगी है, जिसमें पूरे प्लांट में हलचल मच गई है। सूचना मिलने पर दमकल ने आग पर काबू पाया। SMS बाकी साइड में किसी भी तरह की जानमाल की क्षति नहीं हुई है। सियालजोरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बीते 18 जनवरी को भी वाटर कूलिंग टावर, इसके बाद रोलिंग मिल में आग लगी थी। हालांकि इसमें कंपनी को कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था, मगर आए दिन इन अगलगी की घटनाओं से कर्मियों में काफी दहशत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुरुवार को धनबाद में 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। 4 फरवरी 1973 को धनबाद में JMM का स्थापना हुआ था और हर साल 4 फरवरी को यहां स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि स्थापना दिवस समारोह में JMM के अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद नहीं रहे। जिला परिषद मैदान में आयोजित समारोह के दौरान JMM अध्यक्ष शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुरुवार को धनबाद में 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। 4 फरवरी 1973 को धनबाद में ही झामुमो का स्थापना हुआ था। प्रत्येक साल 4 फरवरी को यहां स्थापना दिवस मनाया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि स्थापना दिवस समारोह में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। जिला परिषद मैदान में आयोजित समारोह के दौरान JMM अध्यक्ष शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की गई। आज ही के दिन 4 फरवरी 1972 को श्रद्धेय विनोद बाबू, आदरणीय गुरुजी और AK राय साहब का तीनों का जो उद्घोष था अबुआ दिशम अबुआ राइज का, उसका आगाज ही यहीं से हुआ था धनबाद से। तो धनबाद तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्मभूमि है और लंबे समय तक कर्मभूमि भी रहा है, संघर्ष का भूमि भी रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि यहाँ पर जो लेबर और पीजेंट दोनों, मजदूर और किसान का यदि कोई धरती है तो वो धनबाद है। राज्य में हमारा सरकार है और जब सरकार हमारा है तो जनता के बीच में हम लोग बहुत सारा बात बोले थे और जनता का काफ़ी अपेक्षा हमारी सरकार से है। आज यह जो कोरोना के चलते जो हम लोगों ने एक साल में कुछ उस तरह का उपलब्धि नहीं कर पाए, फिर भी कोरोना से निजात दिलाने के लिए काफ़ी हमारी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने काफ़ी कुछ किया, जो पूरे आज देश में झारखंड नंबर 1 पर रहा। हम लोग शासन में हैं और अगले वर्षों तक ये झामुमो का शासन यहाँ कायम रहेगा। केंद्र सरकार का जो कार्यशैली था उससे कहीं ना कहीं यहाँ का जनता छला महसूस कर रहा है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगला साल हम लोग 50वां मनाने जा रहे हैं और ये ऐसा ऐतिहासिक पल होगा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक विशाल कार्यक्रम होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारे गुरु जी को भारत रत्न के लिए घोषणा करें, ये हम लोग आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हम लोग की आवाज़ को सुनेंगे। सभी नेताओं ने कहा कि JMM का 50वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा, आने वाला वक्त झारखंड के विकास की इबारत लिखने वाला होगा। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बारनवाल की रिपोर्ट।
जेएमएम केंद्र कमेटी के निर्देश पर धनबाद जिले के तमाम प्रखंडों में 49वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहां के बागमारा में भी पार्टी नेता अजमल अंसारी के नेतृत्व में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन पोलो ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बागमारा में हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार हमारा है और यहाँ के प्रशासनिक भी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का नीति भी रह चुका है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि कांड कोई और करता है और कसूरवार किसी और पर थोपा जाता है, केस किसी और पर होता है। यही काम जेएमएम के धनबाद टुंडी प्रखंड के दुर्गाडीह में जेएमएम का स्थापना दिवस सादगी से मनाया गया। दुर्गाडीह में झारखंड आंदोलन के दौरान शहीद रामेश्वर मुर्मू की विधवा माता को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, उनके शहादत को सरकार सम्मान भी देगी और उनके परिजनों को जीने का आधार भी। सरकार बच्चे आंदोलनकारियों को भी चिन्हित करेगी। हम लोग अभी जो देश में चल रहा है, भारतीय जनता ने यह भी घोषणा किया कि यह जो वर्ष है 2021 जो वित्तीय वर्ष है, इस वर्ष में हम यह युवाओं के लिए साथ के साथ साथ हम लोग अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 49वें स्थापना दिवस पर जहां एक और जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं जेएमएम के क्षेत्र नेताओं ने भी अपने अपने प्रखंडों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया। गोविंदपुर प्रखंड में जेएमएम नेता पैगाम अली की अगुवाई में समर्थकों की भीड़ देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित करके की गई। साथ ही आदिवासी महिलाओं द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। और बातों से इस तरह हुआ है, ये बहुत सौभाग्य है गोविंदपुर वासियों के लिए, हमारे सिंदरी वासियों के लिए। धन्यवाद, सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो आए हैं, उन लोग को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह हुआ है, ये बहुत सौभाग्य है गोविंदपुर वासियों। धनबाद मचकुरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक चैम्बर अध्यक्ष दिनेश हेलीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किया गया बजट व्यापारियों के लिए नहीं है। इस बजट से व्यापारी वर्ग संतुष्ट नहीं। सरकार द्वारा जीएसटी में संशोधन की उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंटरेस्ट का जहाँ तक बात है, इंटरेस्ट उस समय तो 6 महीना उन्होंने ब्रेक कर दिया और आज उस पर प्लस इंटरेस्ट जोड़ करके आज बैंक पैसा वसूल कर रही है, जिसके चलते कि व्यापारियों को दिक्कत हो रही है। आज मान लीजिए किसी आदमी का अगर 5,000 रुपये महीने का इंटरेस्ट लग रहा था तो 12% 60,000 रुपया या 30,000 रुपये उसका हो गया। अब बैंक चाह रही है उस 3 महीने में इधर का महीना का इंटरेस्ट वो ले ही रही है, प्लस इस 3 महीने के एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। धनबाद जिला डेकोरेटर संघ ने नगर आयुक्त से मिलकर अपना पक्ष रखा है। निगम के विवाह भवन में डेकोरेटर्स का निबंधन वन टाइम करने की मांग की गई है। संघ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने गांधी सेवा सदन में प्रेसवार्ता कर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि निबंधन शुल्क 5,000 की जगह 2,500 तक करने का प्रस्ताव संघ की ओर से नगर आयुक्त को दिया गया है। मैरिज हॉल उनके द्वारा बनाई गई है, उसमें डेकोरेटर्स, लाइट्स और कैटरर्स के जो भी बंधु काम करेंगे उनको एक जो है निबंधन चार्ज लिया जाएगा और बिना निबंधन के किसी को भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो उसी पर आज हम लोगों ने एक बैठक किया है, क्योंकि हमारे संगठन में 1200 मेंबर्स हैं और हर कोई का कहीं ना कहीं हॉल में काम होता है। और आज हम लोगों ने, कल भी हम लोगों ने आयुक्त महोदय से मिलने का कोशिश किया था, लेकिन आज उनसे मुलाकात हुई अभी और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि हमें 2 दिन का समय दिया जाए, हम लोग इस पर जो है कोई एक आप लोग का जो है निबंधन की राशि को भी कम किया जाएगा और एक हम लोग जो है कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे हम लोगों का सभी लोग।
धनबाद के मनियाडी में पिछले दिनों घटित तीन हाईवा लूटकांड का खुलासा धनबाद पुलिस ने किया है। पुलिस ने पूरे मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लूटी गई तीन में से दो हाईवा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लूटपाट में इस्तेमाल की गई मोटरबाइक के नंबर से अपराधियों तक पहुंचा जा सका है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही तीसरे हाईवा की भी तलाश जारी है। एक हाईवा गाड़ी को अज्ञात लोगों ने लूट किया था, उसमें खुलासा हुआ है। ये केस बेसिकली एपीसी उसी रिलेटेड है, उसमें टेक्निकल और अदर एविडेंसेस पर ये केस खुलासा हुआ है। और इसमें बाकी पहले इसके पहले पूर्वी टुंडी थाना का भी एक एक्चुअली वो हाईवा गाड़ी को चोरी हुआ था, उसका भी इसमें मतलब इन लोग का और मनियाडी का और एक लूट हुआ था, वो तीनों केसेस का डिडक्शन हुआ है। और इसमें ये लोग कन्फर्स भी किया है, और इसमें दो इम्पोर्टेंटली दो हाईवा गाड़ी इसमें बरामद हुआ, तीनों में हाईवा ही लूट हुआ है। वो इसमें दो गाड़ी अभी बरामद हुआ है, बाकी अनुसंधान सिद्दीक है, शाहिद अंसारी है और अफ्ताब अंसारी। हाईवा गाड़ी को बंगाल के तरफ उन्हें मतलब लूट करवा कर उधर बंगाल तरफ धनबाद बागा बांध होपी के साउथ बलिहारी रेलवे फाटक के 100 मीटर की दूरी में बहते नाले में बोरे में बंद शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बागा बांध होपी प्रभारी विनय कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, मामले की तफ्तीश की, लेकिन बंद बोरे में शव की पहचान नहीं हो पाई है। बोरे में 40 साल उम्र की महिला का शव था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बॉडी मिला है, बोरा के अंदर वो पड़ा हुआ था और ऐसा लगता है कि वो हत्या करके फेंका गया है और कहीं से ला कर फेंका गया है। बोरा से डेड बॉडी को निकाला गया, एक महिला का शव है जो अज्ञात है। आसपास से पहचान कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी कोई पहचान नहीं पाए। बागमारा रामकनाली ओपी के पास संदिग्ध हालत में नदी में शव मिला है। पिछले 27 जनवरी से गायब व्यक्ति मुकेश सिंह के रूप में उसकी पहचान हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। 27 जनवरी को ड्यूटी से लौटने के दौरान वो गायब हुआ था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल हफीजुल हसन लेंगे मंत्री पद की शपथ। दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं हफीजुल हसन, जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। कल राजभवन में वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें, हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर सीट खाली है और कल हफीजुल हसन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि इस सीट पर प्रदेश आरजेडी ने भी दावेदारी अपनी पेश की थी। उससे पहले ये बड़ी खबर है कि कल हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, मंत्री पद की शपथ लेंगे हफीजुल हसन। वो दिवंगत मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं और कल दोपहर राजभवन में वो शपथ लेंगे। सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विपिन, ये बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर भी, चुनाव से पहले हाजी हुसैन के बेटे को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, क्या है वजह इसकी आप मान रहे हैं? क्या जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका प्रेशर हो सकता है उस सीट के लिए, इसलिए पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है? जानकारी अभी मिल रही है कि हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का कल तीसरा विस्तार संभावित है और कल दिन के तकरीबन 12:15 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें बतौर मंत्री के तौर पर जो दिवंगत मंत्री हैं हाजी हुसैन अंसारी, उनके बड़े पुत्र मोहम्मद हाफिज को मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इसको लेकर ये काफी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है हेमंत सोरेन का, क्योंकि अभी मधुपुर में उपचुनाव
प्रस्तावित है, अभी उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले मोहम्मद हाफिज को मंत्रिमंडल में जगह देकर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो उस सीट पे प्रतिनिधित्व तो हुआ करता था हाजी हुसैन अंसारी का, तो उनका जो योगदान रहा उस सीट को लेकर और जिस तरह से उन्होंने राज्य के विकास को लेकर काम किया है, तो उसी कड़ी में उनके पुत्र को उनके जगह मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और इससे एक मैसेज उस भी जाएगा कि जब उस क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि जो अब तक निर्वाचित नहीं हुआ है वो अगर मंत्री के हैसियत से वहां पर उपचुनाव लड़ेगा, क्योंकि संविधान में भी इस बात का अधिकार है कि आप अगर मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो ऐसे में आपको 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता या फिर अगर आप केंद्र में मंत्री बनते हैं तो आपको पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी होती है, तो ऐसे में मंत्री बनाकर चुनाव मैदान में उतारना कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक एज लेने की कोशिश की गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि दिन के 12 से 12:15 बजे के बीच ये जो तीसरा विस्तार है हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का वो कल होने जा रहा है। वाकई ये बड़ी खबर, और मास्टर के स्ट्रोक सही कहा आपने विपिन, ये मास्टर स्ट्रोक ही है जेएमएम का। और जिस तरह कल हाजी हुसैन अंसारी को के बेटे को हफीजुल हसन, उनके बड़े बेटे हैं, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। एक बार फिर से हेमंत कैबिनेट का विस्तार होगा और कल राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। विपिन, क्या पहले से ऐसी कोई सुगबुगाहट थी? जी देखिए, इसको लेकर जो जानकारियां मिल रही हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने तमाम विधि विशेषज्ञों से राय शुमारी की, जानकारियां ली कि आखिर ऐसे करने के पीछे कहीं किसी तरह की कोई अड़चने तो सामने नहीं आएगी, तो आएगी तो जब तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री आश्वस्त हो गए तो उसके बाद इस कदम को आगे राज्य की सरकार ने बढ़ाया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगे बढ़ाया, हम ये इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि हाजी हुसैन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय उनको मिला था हेमंत सोरेन की सरकार में, लेकिन कोरोना की वजह से उनका जब निधन हुआ था तो उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि उनके जगह रिप्लेसमेंट कौन होगा। कई बार नाम उभर कर आया कि जो कांग्रेस से जेएमएम में जाकर गांडे से विधानसभा का चुनाव जीते थे सरफराज अहमद, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उपचुनाव को में जेएमएम कहीं से भी कोई चूक नहीं करना चाहता है। जेएमएम की तरफ से ये सोच है कि इस उपचुनाव में अगर एक मंत्री को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा तो एक सहानुभूति, क्योंकि पहले से है उपचुनाव में अगर किसी के निधन होने पर परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, जिसकी वानगी हम बेरमो बाई इलेक्शन में देख चुके हैं, तो वही एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। और ये अपने आप में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर जरूर हम इसे कह सकते हैं कि दूर दूर तक इस बात की चर्चा नहीं थी कि मधुपुर बाई इलेक्शन के पहले कोई मंत्रिमंडल में जगह भी हासिल कर सकता है, लेकिन ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन का माना जा रहा है। झारखंड के कई ऐसे राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय लेकर मुख्यमंत्री ने सबको चौंकाया जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि ये निर्णय लेकर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले मधुपुर बाई इलेक्शन पर भी जो अपनी सीट है उसको सुरक्षित करने का एक बड़ा दाव जरूर लगा चुके हैं। विपिन, क्या सिर्फ सीट सुरक्षित करना मकसद था या फिर सहयोगी पार्टी आरजेडी, जैसे उसके भी सुर बदल रहे थे, मधुपुर सीट पर अपनी दावेदारी पेश करना चाह रही थी आरजेडी, वो भी एक वजह थी कि कहीं अब सहयोगियों में खटपट ना हो, उससे पहले वहां से मंत्री पद की शपथ दिला दे रहे हैं। जी देखिए, जहां तक अगर इस पूरे प्रकरण में बात करें राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह का जो बयान आया था, तो इसके लिए ये बिल्कुल तय है कि जो भी मधुपुर की स्थितियां बनेगी उसके लिए जो आरजेडी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा कि यहां पर उपचुनाव कौन लड़ेगा। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो ये मधुपुर सीट जो है वो आरजेडी के खाते में बीते तकरीबन 5 से 6 चुनाव में कभी नहीं जा पाई थी, और यहां से लगातार कभी हाजी हुसैन अंसारी तो कभी राजपालीवार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते थे। 2014 के चुनाव में मंत्री रहते हुए हाजी हुसैन अंसारी चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 में उन्होंने जबरदस्त वापसी की और एक बड़े अंतर से उन्होंने राज्य के तत्कालीन मंत्री राजपालीवार को हराया था। तो ऐसे में ये जो बातें राजद की तरफ से आ रही थी, कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर था राजद का, लेकिन राजद की दावेदारी सीट पर नहीं बनती थी। लेकिन ये अब जो जानकार बता रहे हैं कि ये निर्णय अगर हेमंत सोरेन जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और राज्य के मुख्यमंत्री भी, और ये मुख्यमंत्री का भी इसी अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको मंत्री बनाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में ये माना जा रहा है कि उपचुनाव की घोषणा से पहले जेएमएम की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अगर मंत्री के हैसियत से जब इनको चुनाव लड़ाया जाएगा
तो उस क्षेत्र की जनता के मन में भी इस बात का असर होगा कि जिनको हम वोट करके अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, अगर वो राज्य की कैबिनेट में मंत्री है तो ऐसे में क्षेत्र का विकास ज्यादा हो सकेगा। और दूसरा, जिस तरह से दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी का मधुपुर के साथ लगाव रहा था और जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी लगातार मधुपुर के लिए काम करते थे, तो कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूट भी जेएमएम की तरफ से हाजी हुसैन अंसारी को देने की कोशिश की गई है। चलिए विपिन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस जेएमएम के इस कदम को बहुत ही परिपक्व और मैच्योर फैसले के रूप में देखा जा रहा है। भले ही ये शॉकिंग न्यूज जरूर रही कि हफीजुल हसन को कल अचानक से मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं जेएमएम का ये मास्टर स्ट्रोक जरूर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ।